लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए गए कि जनाब मॉडर्न है, हालात ऐसे हैं, कुछ लैंग्वेज सीखी जाए, गए, जिसको हमारे अमून अमेरिकन लैंग्वेज भी कहते हैं। इंग्लिश जब लैंग्वेज सीखने के लिए हमारी कौम गई और हमारी कौम को जब इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में लगाया गया तो इससे नतीजा ये निकला कि लैंग्वेज तो क्या बेचारी सीखती, नो यस हेलो थैंक यू इसी में रह गई। लैंग्वेज क्या सीखती, कल्चर लेकर आ गई, लैंग्वेज इतना नहीं ले सकी। ये मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज कम लिया, कल्चर ज्यादा ले लिया। अब इंग्लिश पीपल्स को बोलनी भी है, अब इंग्लिश बोलने में भी इसको अंदाज अंग्रेज वाला ही इख्तियार करना है। आप कहेंगे जनाब ये बहुत जरूरी है, मैं कहता हूं अगर ये इतना जरूरी था तो इससे ज्यादा जरूरी कुरान सीखना था, ना कि अंग्रेजी सीखना था। क्या आप इसका इनकार करेंगे? कुरान को इसके अरब के लबो लहजे में पढ़ो, क्या अरब का लबो लहजा हमने सीखा? हदीस पाक में कि कुरान को अरब के लबो लहजे में पढ़ो, क्या हमने कुरान को अरब के लबो लहजे में पढ़ने का तरीका सीखा? नहीं, हमने नहीं सीखा। हमने वो जबान तो सीखी जिसके बारे में हमारा जहन बना कि ये बहुत जरूरी है, इसके बारे में हमने नहीं सीखा जो वाकई जरूरी था। अलबत्ता हम गए थे जबान सीखने के लिए, जबान तो क्या लेकर आते, हम कल्चर लेकर आ गए। हमारा उठना बैठना, फिर हमारा एक घर का अंदाज, हमारा ड्राइंग रूम का अंदाज, हमारे बेडरूम का अंदाज। क्या आप पिछले चले जाए, आज से 50 साल पहले चले जाएं, 60 साल पहले चले जाएं, क्या ये कल्चर हमारे माहौल हमारे घर में, क्या ये कल्चर हमारे घर में था, हमारे बाप दादाओं में था? क्या घर का माहौल ऐसा था कि इस तरह कमरों की तकसीम और इस तरह मतलब कि एक वे लग्जरी ड्राइंग रूम, वे लग्जरी बेडरूम, कि ये सारी चीजें हमारे माशरे का हिस्सा थी? बड़ा ही मियाना रवि और एतदाल वाली जिंदगी उस वक्त गुजारी जाती थी हमारे घरों के अंदर। उस वक्त इस तरह की तंगी परेशानी और तंग मीशत का रोना भी नहीं था जितना आज है। तो जब तक हमारे रहन सहन, हमारे लिबास, हमारी वजाकता, हमारा तर्ज रिहाइश, जब तक इनके अंदर तब्दीली नहीं आएगी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड नीचे नहीं आएगा, आपके अखराजात नीचे कैसे आएंगे? आप कहते हैं कि मेरा अखराजात नीचे आए, मेरा अखराजात नीचे, अखराजात कहां से नीचे आएंगे? ऐसी बुनियादी जरूरतें हमने अपने घर के अंदर क्रिएट की हुई हैं कि वो जरूरतें पूरी करने में ही हम पूरे हो गए, हमारे अखराजात कहां से नीचे आएंगे? हल्का चावल हमको नहीं चलता, हल्का अनाज हमको नहीं चलता, हल्की चीज हमको नहीं चलती, यहां तक हल्का लिबास हमको नहीं चलता। हैरत है, मुझे हैरत ही हुई, यकीन माने जब मैंने पहली मर्तबा जब ये बात सुनी, मुझे वाकई हैरत हुई कि मेरे एक अजीज मेरे पास मिलने के लिए आए और मिलकर कह रहे हैं कि बाल कटवाने गया था, सुनने की बात है, बाल कटवाने गया था, 1500 रुपए देकर आया हूं। कितने? मेरे लिए मतलब जिसको मुहावरा था कहते बेटे बेटे उछल पड़ा, उनका 1500 रुपए के बाल क्या काटा है? कोई सोना होना काटा, कोई चांदी निकाली, कोई चांदी लगाया, कोई सोना निकाल कर सोना लगाया, क्या लगाया? यही बाल काट के उसके बाल जमीन में फेंक दिए, 1500 रुपए। तो मेरे एक और अजीज से उसने कहा कि ये 1500 तो भी कम है, 2-3 हजार रुपए में बाल कटाए जा रहे हैं। मैंने कहा 2-3 हजार रुपए बाल कटवाए जा रहे हैं, ये कौन तबका जो रोता है कि हमारे पास कारोबार नहीं है? ये कौन सा तबका जो रोता है कारोबार नहीं है, मईशत नहीं है, रोजगार नहीं है? ये कौन लोग हैं कि जब 3-3 हजार रुपए, 4-4 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए के बाल कट, भाई है कोई जो यहां टाइट करता हो कि इतने महंगे आजकल बाल कट रहे हैं? आपको पता है कि खाली वो ऐसे ही बातें हुई थी? नहीं पता है तो जरा हाथ उठाए अगर किसी को इल्म में हो तो। मैं है ना ऐसा, आप यकीन माने अगर आप हाथ नहीं उठाते तो शायद मुझे लगता कि नहीं यार, लगता था मजाक किया होगा, हालांकि मजाक में झूठ जायज नहीं है, लेकिन चलो आपने हाथ उठाया तो ये यकीन और मजीद यकीन हो गया। अब आप बताओ कि 1500 रुपए में बाल कटवाना, 2000-3000 में नाजायज है? जायज पर बहस नहीं कर रहा हूं, अंदाज जिंदगी तर्ज जिंदगी पर बहस कर रहा हूं, इसी पर कलाम है कि अब ये रोते हैं कि जनाब ये पूरा नहीं होता। अब होटल में गए अपने घर वालों को लेकर, अब एक बड़ा नाम है होटल का, आप गए खाना वही खाया जो घर में खाते, बिल कितना हुआ? 8000 रुपए, 7000 रुपए, 10000 रुपए,
बिल भी अब नहीं देना ना, अब तो क्रेडिट कार्ड है। जेब के अंदर 10,000 रुपए लेकर कहां गए? अगर टाइम पर पेमेंट नहीं की तो सूद भरते रहेंगे, क्योंकि खौफे खुदा कहां से लाएं? कपड़े लेने जाएं शादी ब्याह के मौके पर तो बच्चों के कपड़े 2,000-3,000 रुपए के, 5,000-5,000 रुपए के जोड़े। इसी बयान के मुताबिक बाद इस्लाम में मशवरा हुआ तो 10,000 रुपए के जोड़े, एक एक शादी पर, एक एक तकरीब पर खरीदारी करनी है तो 10,000 रुपए के जोड़े घर के लिए खरीदे जा रहे हैं। और तकरीबात में ये भी आ गया ना कि मेहंदी की, मेहंदी का जोड़ा अलग है, ढोलकी का जोड़ा अलग है, और वो वलीमे का जोड़ा अलग है। निकाह के दिन दो जोड़े के, एक शाम को पहने जाएगा, एक डिनर का ड्रेस अलग है, ये सारे जोड़े अलग है, फिर जूते उसके अलग है, फिर जिस कलर का जोड़ा है उसी कलर का जूता है, उसी कलर का दूसरा है, उसी कलर का दूसरा है, ये सारी चीजें आप बताइए, आप सही से बताइए, क्या इस्लाम इन तमाम चीजों को महमूद रखेगा, पसंदीदा रखेगा? आप बताइए। मैं एक दर्द मंद मुसलमानों से ये सवाल करता हूं, क्या इस्लाम इन चीजों को पसंद करता है? इस्लाम तो साथी का दर्द दे रहा है। मैं जाए तो नाजायज पर इस पर बहस नहीं कर रहा, इसमें जो नाजायज और हराम सूरतें हैं अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो मैं इस पर आऊंगा। फिलहाल एक जनरल कल्चर पर बात की जा रही है। अब आप कहिए कि जनाब ये हमारा, हम करते हैं यार, आप करते हैं, मगर आप जंगल में नहीं रहते, आप माशरे में रहते हैं, आपके आदात और अतवार ये इफेक्ट करते हैं माहौल के ऊपर, इसको क्यों आप नजरअंदाज कर रहे हैं? हमारा इस्लाम है, हमारा दीन, हमारा मजहब है, ये समझा रहा है कि तुम जब घर में कोई ऐसी चीज खाओ तो घर के बाहर उन चीजों को ना फेंको, कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा पड़ोसी का बच्चा वो चीजें ना ले सकता हो और तुम्हारे घर की वो चीजें देखेगा तो उसके अंदर एक एहसास पैदा होगा। हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि वो मुसलमान नहीं, कामिल मोमिन नहीं जो खुद पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रह जाए। हमारा इस्लाम ये है कि जब तुम घर में खाना पकाओ तो शोरबा ज्यादा कर लो ताकि पड़ोसियों को काम आ जाए। हमारा इस्लाम ये है। आप इन डिबी जब बात मईशत की है, बात तंदरुस्ती की है, बात पूरा ना होने की है तो ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है ही नहीं, ये इंफरादी मसला है ही नहीं, ये इजतिमाई मसला है और इसे इजतिमाई तौर पर ही हल किया जा सकता है। अब कल्चर ऐसा हो गया ना, अब हल्का कपड़ा पहनकर, अब आपका घर है ठीक है, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जो रिज़्क़ हलाल अता किया, आप जायज तरीके से अगर वो कम खर्च कर सकते हैं, लेकिन गौर कीजिए माहौल ऐसा नहीं है। एक तो दूसरी एक तरफ यह कि इसका इफेक्ट दीगर लोगों पर होता है, फिर आपको कौन सा फायदा होगा? आपको पता है कि एक दावत के अंदर आप कितने नजरों में आए, कितनी नजरों में आए? फिर पर्ची आती है, भत्ता आता है, डाकू आता है, चोर आता है, घर का भेदी लंका ढाता है, मुखबरी हो जाती है, इंक्वायरी हो जाती है। जिस वक्त डाका घर में पड़ता है, लाखों लाख रुपए कैसे बरामद हो गए? आपके घर में लाखों रुपए नहीं थे? आपकी बेटी का जहर जिस दिन घर पर आया उस दिन आपके घर पर डाका क्यों पड़ा? कोई तो था ना जिसने ये इत्तला दी? क्यों नजरों में आते हैं आप? ये तो एक आपके अपने भले की बात कर रहा हूं। ये जरूरी है कि आपके पास दौलत आ गई तो अब उस दौलत का इजहार लोगों पर तफखुर नमूद नुमाइश के अंदाज से हो, ये जरूरी है कि लोगों के पता चले कि जी ये अब अमीर आदमी हो चुका है, देखो इसका कपड़ा महंगा हो गया, इसकी घड़ी महंगी हो गई, पहले आम घड़ी पहनता था ब्रांडेड घड़ी पहनता है, पहले आम कलम इस्तेमाल करता ब्रांडेड कलम इस्तेमाल करता है, पहले आम गिलासेस पहनता था ब्रांडेड गिलासेस पहनता है, पहले आम कपड़े पहनता था ब्रांडेड कपड़े पहनता है, ये सारी चीजें जो ब्रांडेड हो गई आप खुद ऐलान कर रहे हैं कि हाँ 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 आओ 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 मैं हूं पैसे वाला हो गया हूं, लूट सकते तो लूट कर दिखाओ, और वो लूट कर चला जाता है, आपको लूट के चला गया। अरे 5,000 रुपए का मोबाइल इस वक्त कोई नहीं छोड़ रहा तो ये लाखों लाख रुपए दिखाने वाले को कौन छोड़ेगा? जुल्म बढ़ चुका है, खयानत बढ़ चुकी है, और ये बेरोजगारी की भी एक वबा है जो इतनी डकैतियां चोरियां और इस कदर तूफान बदतमीजी मचा हुआ है।